फातिहा बराए नजरे शहदाए करबला अलैहिम सलातु वस्सलाम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال في آخر السورة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صلوات پڑھ لیں تمام تعریفیں شہیدوں کے پروردگار کے لیے اور تمام حدیے درود و سلام شہیدوں کے سید و سردار ان کے آبا و اجداد اور ان کی اولاد طیبین و طاہرین کے لیے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام عظم اللہ اجورنا اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإیاکم ان شاء اللہ من الطالبین بصرہم اولی الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام اما بعد شکر پروردگار حسین کہ دو مجلسوں کے بعد پھر شرف حاصل ہوا برائے ذکر امام حسین اس فرش عزائے سرکار سید الشہداء پر آپ کی خدمت میں ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے ہماری گفتگو کل اس لفظ پر مکمل ہوئی کہ مدرسہ عاشورہ میں
दाखले की पहली शर्त, और उसी शर्त से बात को मरबूत करते हुए आज मदरसे आशूरा में दाखले की दूसरी शर्त बयान होगी। यकीनन तमाम चाहने वालों के लिए एक जिम्मेदारी है कि जितना मुमकिन हो सके वाक़े आशूरा पर तवज्जो के साथ कभी तन्हाई में बैठकर, और अगर हो सके तो खुतबात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शब आशूर और रोज़े आशूर। इमाम अपनी बहनों से क्या फरमाते थे, इमाम अपने असहाब से क्या फरमाते थे, इमाम लश्कर अदा से मुखातिब होकर क्या पैगाम देते थे। मक्तल सिर्फ बराए मसाइब न पढ़ा जाए, मक्तल बराए हकाइक और बराए पैगाम हुसैन भी पढ़ा जाए। रोने के लिए मक्तल की हाजत नहीं, मोहब्बत की जरूरत है, वरना मुहर्रम के चांद में कौन सा मक्तल है, आप क्यों रोते। मुहर्रम के चांद में कौन सा मक्तल है, हाँ चौके मोहब्बत है सरकार सैयद उश्शहदा से, या आमदे सरकार सैयद उश्शहदा से पहले के वाकयात में शहजादे का अपनी माँ को सलाम करना जब पढ़ा जाता है तो आंखों में आंसू क्यों आते, मक्तल तो नहीं है वो, चौके मोहब्बत है। बल्कि ऐसे साहिबान ईमान को आप भी जानते होंगे और मैं भी जानता हूं, कुछ दुनिया से चले गए, कुछ हाजिर हैं मौजूद हैं, फजाइल में भी रोने लगते हैं, तो रोने के लिए मक्तल की हाजत नहीं है। मक्तल जरूर पढ़िए लेकिन सिर्फ मसाइब के लिए नहीं। ये लिखे हुए दो मिसरे आखिर में सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, गालिबन शायर का नाम यहाँ मौजूद नहीं है तो हम शायर के नाम के बगैर बात करेंगे। उसने कहा कि दीन की तारीख पूरी लिख, उसने कहा कि दीन की तारीख पूरी लिख, मैंने फ़कत हुसैन लिखा और कुछ नहीं। कितना बेहतरीन ये दो मिसरों में पैगाम शायर है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा दीन ज़ात हुसैन में सिमटा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि बेदीनी का हुसैन से कोई ताल्लुक नहीं है। अब अगर कोई बेदीन अपने आप को हुसैनी कहे तो उसकी अकल पर मातम कीजिए कि हुसैनी भी है और बेदीन भी। अल्लाहु अकबर। मैंने इसलिए आपकी खिदमत में जुमला अर्ज किया कि सरकार सैयद उश्शहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस मदरसे के प्रिंसिपल, और जब आप किसी मदरसे में स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करते तो एडमिशन के लिए अप्लाई करने से पहले उसकी सलाहियत को मालूम करते हैं कि कौन असातीज़ हैं, कौन निज़ाम चलाने वाले, बरनामा क्या होगा, कौन कौन सी फैकल्टीज़ होंगी, शोबा जाते उलूम फ़नून में क्या कौन से पढ़ाने वाले मौजूद होंगे। तमाम मालूमात करने के बाद चलिए
मालूमात कैसे हों का देखो कि उस यूनिवर्सिटी में जो लोग पढ़े वो कितने कामयाब हुए। बल्कि शायद अब तो तरीका है कारोबारी अंदाज का कि अगर ट्यूशन सेंटर्स की बात कीजिए तो वो ऐसे तलबा की तस्वीर अपने इदारे में लगा देते हैं कि इन इन अफराद ने यहाँ पढ़कर कामयाबी हासिल की। कितने लोग कामयाब हुए? क्या 5 A1 ग्रेड में? नाकाम कितने हो? क्या नाकाम का मत पूछिए, बहुत गौर कीजिएगा। मसला कारोबारी है, मसला कारोबारी है। कसम खाकर कहता हूं कि कायनात की किसी यूनिवर्सिटी में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जितने लोग दाखिल हुए सब के सब कामयाब हुए हो। सब के सब कामयाब हुए हो, सब के सब कामयाब नहीं, कुछ कामयाब हुए, कुछ नाकाम हुए, कुछ बर्बाद हुए। यानी कि अब अगले इम्तिहान के काबिल भी न रहे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मुझे बताएं करबला की वनडे यूनिवर्सिटी के अंदर कौन नाकाम हुआ? जिस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर सरकारी सैयदुश्शोहदा हो, कोई एक मिसाल लाइए जो नाकाम वहां पर तालिब इल्म मौजूद हो। और अजीब निज़ाम तालीम है मौला की बारगाह का कि कोई उम्र की कैद नहीं है। हर इदारे में उम्र की कैद है, इदारा तालीम और तरबियत का हो उम्र की कैद है, मगर मदरसे आशूरा में उम्र की कोई कैद नहीं है। बच्चा आए कि बड़ा आए, बूढ़ा आए कि औरत आए, जो भी आए, अगर अगर लुक्मे हलाल खा कर आया है तो एडमिशन हो गया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। लुक्मे हलाल से इसका क्या ताल्लुक है? लुक्मे हलाल से क्या ताल्लुक है? बहुत गौर कीजिएगा। बस औकात बहुत आसान मिसालों से कोई बात सामईन के जहन तक मुंतकिल हो जाती और बस औकात मिसालें देने के बाद भी मुंतकिल नहीं होती। अगर आपके सामने मेरे सामने कोई गर्द आलूद पानी मौजूद हो तो गर्द आलूद ज़रूर है मगर हराम नहीं है, पियेंगे? हराम नहीं है, पियेंगे? क्या नहीं? क्यों? कि अपने जिस्म से मोहब्बत है। अपने जिस्म से मोहब्बत हो तो गर्द आलूद पानी पीने को तैयार नहीं है। अगर अपनी रूह से मोहब्बत हो तो फिर हराम से इज्तनाब क्यों ना हो। इसलिए कि जैसे गर्द आलूद पानी आपके जिस्म को नुकसान पहुंचाए, ऐसे लुक्मे हराम आपकी मेरी रूह को नुकसान पहुंचाए। लुक्मे हराम के दो असरात हैं। पहला असर और दूसरा असर, फौरी असर और ताखीर वाला असर। दुनिया में असर, आखरत में असर। दुनिया का असर ये कि इंसान के, बहुत गौर कीजिएगा, कुछ मैंने आपकी खिदमत में पहले अर्ज़ किया था कि ये सकालत के साथ उन्वान है, आसान उन्वान नहीं है, क्योंकि जब बात एडमिशन की आए तो फिर संजीदगी तो होनी चाहिए। मदरसे आशूर में एडमिशन का मसला है, मजलिस में आना आसान है, आशूराई होना मुश्किल है। मजलिस सब के लिए, आशूराई होना उनके लिए जो अकले हलाल कर रहे। मैं भी शामिल हूं आपके साथ, ऐसा नहीं है,
हम सब एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं, मुझे भी आशुराई बनने के लिए अक्ल हलाल चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं सब आपके लिए कह रहा हूं, हम सब के लिए अक्ल हलाल चाहिए। अल्लाहु अकबर। पहला असर का पहला असर ये कि इंसान के दिल के दो कान लुक्मा हलाल खाने से बंद हो जाते। अब कुछ कान हैं कि जो इंसान के जाहिरी हैं, कुछ कान हैं जो इंसान के बातनी हैं। जाहिरी कानों का मसला आसान है, बातनी कानों का मसला मुश्किल है। अल्लाह के रसूल की बारगाह में आने वालों के सबके जाहिरी कान तो थे, बातनी कान सबके नहीं थे। इसीलिए महफिल रसालत में आपसे निकलते पूछते थे कि माजा काला आनिफा, ये तो बताओ अभी ये मोहम्मद क्या कह रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप कहाँ थे? आजकल तो वैसे ही आप कहते हैं ना कि जो अपने काम की बात हो तो वो सुनाई देती है। बल्कि अभी शायद दो दिन पहले का वाकया मीडिया पर बहुत शोर मचा। गालिबन पंजाब के किसी इलाके में एक ऐसा शख्स गिरफ्तार हुआ कि जो एटीएम मशीनों पर कार्रवाई करता था, और उसका हुनर ये था कि उसने दोनों अंदाज से अपने आप को परफेक्ट किया हुआ था कि जी मैं गूंगा भी हूँ और बहरा भी हूँ। तो कितने गूंगे थे पैगंबर की बारगाह में और कितने बहरे थे पैगंबर की बारगाह में। जब कोई आएगा निज़ाम अदल कायम करने वाला तो फिर बताएगा गूंगे और बहरे असलन कौन होते हैं और बने हुए कौन होते हैं। तो बहरा होना, दिल का बहरा होना किसे कहते हैं? अपने उस्ताद से एक बात मालूम की, मरहूम अल्लाह मकामहू मौलाना अब्बास अली नजफ़ी, अजीम शख्सियत सरजमीन सिंध की, अजीम शख्सियत। शायद आप में से कुछ लोग वाकिफ़ हों, जो वाकिफ़ नहीं है वाकियन नजफ़ सिंध दानिशगाह जाफरिया, इलाके का नाम है वागरेजी, और उस मदरसे के अजीम उलमा में एक ऐसी शख्सियत जिन्हें सलमान सिंध कहा गया, मौलाना ग़ुलाम मेहदी क़िबला अल्लाह मकामहू, उनके ये दामाद थे। तो उस्ताद से पूछा कि ये मजलिसें पढ़ी जाती हैं, अहादीसें बयान करते हैं, असर नहीं होता? तो कहने लगे तीन बातों का उनवान हो सकता है असर ना हो। असर ना होने की तीन वजूहात मुमकिन। क्या? पहली बात, सबसे पहली बात बेटा याद रखो, असर नहीं होगा अगर कहने वाला खुद बेअमल हो। देखिए आपसे पहले मैं वो बात कर रहा हूं जो मेरे अपने लिए, असर नहीं होगा अगर कहने वाला खुद बेअमल हो। फिर दूसरी बात का असर नहीं होगा बेटा अगर सुनने वाला कोई ऐसा हो जिसने लुक्मा हराम खा लिया। तीसरी बात, असर नहीं होगा अगर सुनने वाला कोई ऐसा हो जिसके दिल पर खुदा ने मोहर लगा दी। आप सोचिएगा कि सरकारे सैयद शहदा 10 मुहर्रम को लश्कर आदा के सामने खड़े हुए और आपने दो खुतबे दिए 10 मुहर्रम को, उनमें से एक खुतबा और ऐसा अजीमुशान खुतबा कि अगर वो खुतबा सुना अहले बैत ने तो अंदाज और है, खुतबा सुना असहाबे हुसैन ने
तो असर और है। और उस खुतबे को सुना लश्कर आदा यजीदी सिपाहियों ने, तो असर और था। कहने वाला कौन? कहने वाला वो हुसैन, कि आगोश रिसालत माब में एक दिन वो कैफियत है कि आप शदीद प्यास के आलम में, अल्लाह के रसूल पानी का इंतजाम करने के बजाय हुसैन की प्यास बुझाने के लिए आपने अपनी जुबान को हुसैन के दहन में दे दी। जो रिसालत कर लो आप पीकर प्यास बुझाए उसे हुसैन कहते हैं। अब अगर असर की बात हो, जुबान में असर की बात हो, तो ऐसी जुबान कहां से लाई? ये जो जुबान हुसैन इब्ने अली हो, ये जुबान हुसैन नहीं है, जुबान मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या यजीदी बहरेज थे सबके साथ? बनो उमैया के चाहने वालों का सैल, यानी से पूरा मिसले सैलाब था इंसानों का, या समंदर था इंसानों का, फैले हुए थे दूर दूर तक। और इमाम ने खुतबा बगैर माइक के दिया, अल्लाह अकबर, बगैर माइक के आज मजलिस पढ़ना मेरे लिए मुश्किल है। इमाम ने खुतबा बगैर माइक के दिया। भाई याद रखिएगा, अगर अल्लाह के पैगंबर जनाब सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलाम तमाम मखलूकात परवरदिगार को दावत देना चाहें तो खुदा उनकी आवाज़ पहुंचा दे। तो अगर फखरे सुलेमान का लख्त जिगर बात करना चाहे तो आवाज़ सामने वालों तक पहुंची, आवाज़ असलाब तक पहुंची, आवाज अरहाम तक पहुंची। इमाम का अजीम शान खुतबा 10 मुहर्रम। उस खुतबे में सरकार ने खुदा की हमदो सना के साथ अपना तारुफ कराया। हल तालमून, क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? वो हल तालमून अन्ना जद्दी रसूलुल्लाह, क्या तुम जानते हो कि मेरा जद कौन था? रसूल खुदा, क्या जिसका तुम कलमा पढ़ते हो, जानते हो? अजीब जुमला है। फरमाया, क्या तुम जानते हो जो मैं अमामा पहने हुए हूं, ये अमामा अमामा मोहम्मद है। देखिए मैं तर्जुमा कर रहा हूं मुहावरे के एतबार से, तो अगर आप अरबी जुबान से इस खुतबे की तिलावत कीजिएगा तर्जुमा अरबी के लिहाज से होगा। अमामा रसूल खुदा का, सबने तस्दीक की जो पैगंबर को जानते थे। फिर फरमाया, जो मेरे पास ये तलवार है, तलवार सैफ, सैफ हुसैन सैफ मोहम्मद है, गवाही दोगे? सब ने तस्दीक की। क्या मेरे पास जो जरा है, ये जरा जरा मोहम्मद है, गवाही दोगे? करबलाए मौला में सरकारे सैयदुल शहदा के पास पैगंबर की निशानियां कौन सी थी? अमामा, तलवार, जरा, तीन, चौथी चीज जुलजना, तलवार पढ़ ले मोहम्मद। चार चीजें इमाम ने लश्कर आदा के सामने बयान की, और लश्कर आदा से तस्दीक करवाई कि ये हैं पैगंबर की ना। सब ने इकरार किया। फिर अल्लाह के इस अजीम शान वली ने
जुमला इशात फरमाया, अगर सब कुछ जानते हो तो मुझे कत्ल करने क्यों आए हो? अगर सब कुछ जानते हो तो मेरे खिलाफ क्यों खड़े हो गए हो? मेरा खून क्यों बहाना चाहते हो? सब कुछ जानते हो ना? कहने लगे, इसलिए कि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का हुक्म है। तो अब क्या करें, सब कुछ जानने के बाद भी हम आपसे लड़ेंगे, क्योंकि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद यानी के यजीद इब्ने मुआविया का हुक्म है, हम आपसे लड़ेंगे। कभी कभी हम सोचते हैं कि कैसे हो सकता है कि सरकार सामने मौजूद हो, कोई चेहरे हुसैन को देखे उस पर असर ना हो। तो चेहरे हुसैन को देख के असर उस पर होगा जिसमें काबिलियत असर मौजूद हो, वरना क़िबला हजारों लोग इमाम को देख रहे थे। और फिर इमाम का वो जुमला जो हमारे कल के उन्वान से रब को मुकम्मल कर रहा है, लुक्मा हलाल फरमाए, और तुम, ये खास रिवायत पढ़ रहा हूं मैं, नफसुल महमूम, शेख अब्बास कुम्मी ने एक ऐसी सांस का तस्करा किया जो गम से भरी हुई हो, किताब का नाम है ये। बाद इसे नफसुल महमूम पढ़ते हैं तो ऐसा वजूद के जो गमों में डूबा हुआ, या नफसुल महमूम पढ़िए तो ऐसी सांस जो गम आलूदा हो, शेख अब्बास कुम्मी अपनी किताब में इस कलमे हुसैन को लिखते। इमाम ने फरमाया, चूंकि तुम्हारे पेटों में लुक्मे हराम चला गया है इसलिए तुम पर मेरी बात का असर नहीं होगा। फैसला हो गया कि मदरसे आशूरा में एडमिशन नहीं हो सकता। कितने सारे लोग सामने खड़े थे और आहिस्ता आहिस्ता शायद कुछ तस्करा आए उन अफराद का के जो निकल के उस तरफ से इधर आए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज सिर्फ एक मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। एक शख्स से सहाबिये रसूल खुदा ओहद के मैदान में भी आपके साथ साथ पाबरकाब रहे, बाज ने तलफ़ किया कोरजा, बाज ने इनका नाम लिखा कैरजा, यानी तलफ़ किया जेर के साथ, काफ रे जोएं और गोलते, बहुत कम तस्करा होता है इस अजीम सहाबी का। ये रसूल खुदा के सहाबी और मौलाए मुत्तकियान के आशिक, मौलाए मुत्तकियान ने अपनी ज़माना हुकूमत में इनको एक इलाके का निगरान बनाया, मुअल्लिम फ़िक़ा, ये मौलाए कायनात के दौर में फ़िक़ा पढ़ाते थे सहाबी रसूल। मौला से मोहब्बत करने वाले, और इनका इंतकाल करबला के वाक़े से 10 साल पहले हो गया। इनके दो बेटे, कभी लोग कहते शायद के हमारे नस्लों में ये बात चली आ रही है, तो नस्लों की बात तो फिर आगे चलेगी ना कि मैं मोमिन, मेरा बेटा मोमिन, बेटे का बेटा मोमिन, पोता मोमिन, उसे कहते नस्ली मोमिन, नस्ल वाला मोमिन। तो नस्ल वाले मोमिन का उनवान और है, असल वाले मोमिन का उनवान और है। तो समझ कर मोमिन हो वो और है,
जो नस्लन चले वो और है। अलबत्ता बहुत बहस मुश्किल ना हो जाए इसलिए इसको बड़े आहिस्ता आहिस्ता अंदाज मुकम्मल करना है। और आप गौर कीजिए, दो बेटे, एक का नाम अली है, एक का नाम अम्र है, सहाबी रसूल के बेटे, सहाबी अली इब्ने अबी तालिब के बेटे, विलायत के मानने वाले पक्के मोमिन के दो बेटे, एक का नाम अली, एक का नाम अम्र। क्या ख्याल है? आप तो नामों पे इश्तबा करते हैं ना, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, मैं बड़ी एहतियात से अल्फाज को अदा कर रहा हूं। लोग कभी पूछते हैं मौलाना करबला के शहीदों में अच्छा ये नाम भी, ये तो अजीब, यानी कुछ नाम ऐसे हो गए। और मैं जब कभी नामों की बहस करता हूँ, चलिए कुछ माहौल को आसान कर लूँ, बहुत सकील हो गया है, नामों की बहस होती है तो सद्दाम हुसैन, तर्जुमा क्या बना? हुसैन को सदमा देने वाला। ये तर्जुमा मैंने क्या आवाम के लिहाज से, इल्मी बात नहीं कर रहा अभी। दूसरी बात, क्या वो जो था काला अमेरिका का साबिक सदर, नाम क्या था? बाराक हुसैन ओबामा, कितना अच्छा नाम है, कितना अच्छा नाम। तो हारून रशीद, बिल्कुल ना रशीद। इसको बड़े अच्छे अंदाज से इत्तेफाक से कल भी क़िबला अल्लामा जवादी मरहूम का एक तस्करा आ गया था मजलिस में, और अकीदत उस अजीम आलिम से मुझे ख़ास अकीदत, तो आज भी नाम आ गया। मरहूम शायर भी थे, चार मिसरे उनके सुने और लुत्फ महसूस करें। नाम का मसला कि जी फलाना, कभी कभी नाम फिर शक हो जाता है, और कितने बेचारे नाम के चक्कर में शहीद शहीद हो गए, नहीं बल्कि नाम की मोहब्बत में बेचारे कत्ल कर दिए गए। शहीद तो बस वो होगा जिसका हुसैन से ताल्लुक होगा, कत्ल होना और है, शहादत का फैसला आपके हाथ में नहीं है। मरहूम कहते दुनिया का अमन लूट के मामून बन गए, मामून रशीद, दुनिया का अमन लूट कर मामून बन गए, दौलत समेटी इतनी के कारून बन गए, दौलत समेटी इतनी के कारून बन गए, इन बंदेगाने जर। अल्लाह अकबर, अजीब है जुमला, में क्या करूं, जर के आगे कुछ कहूं। क्या पहुंच गए, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, इन बंदेगाने जर की सियासत तो देखिए, मूसा को जहर दे के भी हारून बन गए। हारून रशीद कौन? कातिल इमाम मूसी काजिम, और दुश्मनान अहले बैत नाना, और हजरत मूसा कलीमुल्ला के सगे भाई, आपसे उम्र में बड़े थे, वो भी नबी, ये भी नबी, नाम क्या था? हारून। और ऐसा नाम हारून कि हारून के दो बेटे शब्बर और शब्बीर, और नाम रखे गए अल्लाहु अकबर सरकारे मौलाए मुत्तकियान के शहजादों के हसन हुसैन। तो हारून नाम कैसा है? अच्छा है नाम ना, हम कहाँ निकल गए, वापिस आइए। एक का नाम अली है, एक का नाम आम्र है, दोनों बेटे सहाबी रसूल के,
एक 6 मुहर्रम को सरकारे सैयद शहदा के खिदमत में पहुंचा और सरकारे सैयद शहदा ने इसको इतना काबिल एतमाद करार दिया कि इसे अपना सफीर बनाकर उमर इब्ने साद की तरफ भेजा। कहां भेजा? उमर इब्ने साद की तरफ अपना पैगाम देकर। यही वो शख्स है कि जिसको 10 मुहर्रम जहर अव्वल जहर अव्वल जवाल शरई के वक्त जब इमाम ने जमात कायम की मैदान करबला में, और मैदान करबला में जमात कायम करते हुए 2 अफराद सामने खड़े हुए कि जो इमाम अलैहिस्सलाम के वजूद मुकद्दस के मुहाफिज बने। एक का नाम सईद इब्ने अब्दुल्ला, इसने 13 तीर खाए। एक का नाम है कुर्जा का बेटा, नाम है आम्र, इसके 2 तीर लगे और ऐसे मकाम पर लगे कि 2 तीरों में शहीद हो गया। इमाम की नमाज तमाम हुई और दोनों अफराद शहीद हुए और इमाम ने अम्र इब्ने कुर्ज़ा के सिरहाने इरशाद फरमाया, अंता अमामी फिल जन्ना, आम्र तू मुझसे पहले जन्नत में पहुंच गया। अल्लाहु अकबर। जब जन्नत के जवानों का सरदार फरमाए तो शक है कोई? अंता अमामी फिल जन्ना कि तुम मुझसे पहले जन्नत में पहुंच गए हो। आम्र इब्ने कुर्ज़ा की आंखें बंद हो गई। इसका सगा भाई, नाम क्या है? अली इब्ने कुर्ज़ा, लश्कर यजीद में है। और अजीब बात है, तारीख तो छुपाती नहीं है, तारीख तो बताती है, अली इब्ने कुर्ज़ा वासिले जहन्नुम हुआ। किसके हाथ से? नाफे बिन हिलाल के हाथ से। एक सहाबी रसूल के 2 बेटे, एक का नाम अली और वो गया जहन्नुम में, एक का नाम अम्र वो गया जन्नत में। तो किबला फैसला क्या हुआ कि जन्नत जहन्नुम नाम देख के नहीं मिलेगी? अगर नाम देख के बट रही हो तो ये तबर्रुक नहीं है, ये तबर्रुक नहीं है। तबर्रुक सबके लिए, जन्नत उनके लिए जो लायक जन्नत हो। सलवात पढ़ लें मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा, तो आज की हद तक हमने पहली जो शर्त थी मुकम्मल की, आशूरे के मदरसे में दाखिले की, और सेकंड शर्त आज शुरू कर रहे हैं, बाकी बातें कल। फिर इंशाल्लाह करबला में 2 यूनिवर्सिटी चल रही थी, एक इस तरफ थी एक उस तरफ थी, 2 मकतब थे, 2 अफकार, 2 किस्म के किरदार थे। लश्कर यजीद में सिपह सालार में इतनी मजाल नहीं थी कि वो कह सकता कि मेरा हर सिपाही मुझ जैसा, लेकिन लश्करे सैयद शहदा में मेरा मौला उस मकाम पर था कि उसने खाली उस जमाने के अपने तालिबे इल्मों की जमानत नहीं ली, बल्कि आने वाले हर दौर के तालिबे इल्म मदरसे आशूरा की जमानत ले ली। और कब ली? मदीने मुनव्वरा में। किसके सामने ली? वलीद बिन अतबा के सामने, एक रिवायत मरवान इब्ने हकम के सामने। 2 रिवायतें मुख्तलिफ। वलीद बिन अतबा के साथ बैठा है मरवान इब्ने हकम, ये शब की रिवायत है, और मरवान इब्ने हकम मिला अकेले में इमाम को, ये दिन की रिवायत है, मदीने के बाजार की रिवायत है।
उसने इमाम को रोका, मरवान इब्ने हकम ने। मरवान उम्र में बड़ा है वलीद से, और इतना बड़ा है कि उसको बड़ी तमन्ना थी मुझे खिलाफत मिले। और जब अबू सुफियान के बेटे ने खिलाफत अपने बेटे को दे दी तो मरवान के सारे उम्मीदों पर आस पड़ गई। इसलिए मदीने मुनव्वरा में पेश आने वाले वाकयात में मरवान के कुछ अपने मसाइल भी थे जो वलीद को मशवरे दे रहा था। कभी कभार तरीका होता है ना कि एक तीर से दो शिकार सलवात पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। घबराइए नहीं, मैंने इसलिए इमाम उतार दिया कि कोई लंबी मशक नहीं करूँ, पढ़ूंगा मैं। मुझे पूरा एहसास है कि वक्त ज़्यादा हो गया, लेकिन मजबूरी है कि अगर ये बात यहाँ छोड़ दूँ तो ना मुकम्मल ले जाएगी। वलीद बिन अतबा के सामने ऐसा कोई प्रिंसिपल, ऐसा कोई मदरसे का हाकिम आला कोई मिलेगा इतनी बड़ी गवाही दे? इतनी बड़ी गवाही तो किसी नबी ने अपने सारे असाब की ना दी। असाब तो असाब, अपने सारे फॉलोअर्स की कोई गवाही नहीं दी। इतनी बड़ी गवाही सरकार ने दी है। इशात फरमाया वलीद से या मरवान से बाजार में, जब मरवान कहता है कि आप बैत कर लीजिए, मेरा मशवरा आपको ये है, अच्छा बैत कर लें। क्यों बैत कर लें? क्या अगर नहीं करेंगे नुकसान आपका होगा। किसकी बैत कर लें? क्या यजीद की? यजीद कौन है? कर्रजुल, इमाम के अल्फाज फरमाते हम कौन, यजीद कौन? हम हैं अहले बैत नबूवत, हम हैं मादन रिसालत। तू हमसे कहता है कि उसकी बायत करें? कौन यजीद? रजुलुन फासिकुन शारिबुल खमरे, शराब पीने वाला बंदर नशवाने वाला। अजीब जुमला है, अपनी महरम खवातीन से अमले हराम करने वाला, अजीब जुमला है। इमाम ने न खानदान पढ़े यजीद के, न यजीद का कबीला पढ़ा, यजीद के आमाल बयान किए। फिर फरमाते कौन ज़्यादा हकदार है कि बैत करे, कौन ज़्यादा हकदार है कि बैत कबूल करे, ये तो फैसला हो जाएगा। और एक मरतबा मेरे मौला का अंदाज तब्दील हुआ और निगाह इमामत ने पूरी कायनात को समेट के फरमाया मिसली 1441 मुहर्रम की दो तारीख इस फर्श अदा पे बैठने वालों, हर मातमदार मुहिब्बो, इमाम ने इतनी बड़ी जमानत ली मिसली ला युबाई ओ मिसलहू। एक मैं हुसैन तो क्या, जो कभी मेरे जैसा हो जाए। एक वो यजीद तो क्या, कोई उसके जैसा हो तो मेरे जैसा उस जैसे की बयत नहीं कर सकता। ये दो मदरसों का बिल्कुल फर्क। अल्लाह, इतनी बड़ी कामयाबी, इतनी बड़ी कामयाबी कि मदरसे आशूरा में एडमिशन लेने के लिए हर एक शख्स मोमिन कहता है फया लैतनी कुंतु माकुम फाफूज माकुम। बस गुफ्तगू तमाम हुई, इस पे कल बात करेंगे। आज की हद तक बस इतना जुमला कहकर रुख्सत हो जाऊं कि मुहर्रम की दो तारीख है, ये दो मुहर्रम 1441 का है और दो मुहर्रम 61 हिजरी का था। आप फर्श अदा पर बैठे हैं, जहरा का लाल
सफ़र की सऊबतें बर्दाश्त करता हुआ सख्त गर्मी का मौसम करबला में दाखिल हो रहा था, वरूदे करबला। इमाम करबला में दाखिल कैसे हुए? रवायात मुख्तलिफ हैं। उलमा कहते हैं सिर्फ दो मकाम हैं कि जहाँ पर सरकार सैयदुल शहदा के ये जुलजना चलते चलते रुका, या जहाँ पर जुलजना ने कदम उठाने में तामुल किया। दो मकाम हैं, मैंने बड़ी एहतियात से जुमला इस्तेमाल किया, दो मकाम हैं तामुल किया। एक मकाम वो जब 4 साल की सकीना ने उसके पांव थाम लिए थे, घोड़े मेरे बाबा को मख्तल में ले करना चाह। एक मकाम वो जब करबला की ज़मीन पर इमाम का काफिला दाखिल हुआ तो घोड़ा चलते चलते रुक गया। मैं क्या बयान करूं, अब किसने रुका घोड़े को? इमाम ने चाहा कि सुलझना आगे बढ़े, मगर ये अमरे औलवियत नहीं था, वरना अमरे औलवियत में जुलजना की मजाल नहीं है कि रुक जाए, यह अमरे आदी है। जुलजना रुका हुआ, एक बार दो बार तीन बार आपने उसको आगे बढ़ाना चाहा, नहीं बढ़ा गया। बास ने आपकी खिदमत में अर्ज़ की मौला से कि मौला मुमकिन है कि ये कुछ थक गया हो तो आप घोड़ा बदल लीजिए। आपने घोड़े तब्दील किए मगर कोई घोड़ा उस मकाम से आगे नहीं बढ़ा। एक बात याद रखें, अल्लाह के रसूल की सवारी जुलजना है और एक सवारी आपकी वो थी जो ऊँटनी थी, वो सवारी ऊँटनी अबू अयूब अंसारी के घर से आगे नहीं बढ़ी थी मदीने मुनव्वरा। उसी रसूल खुदा की सवारी जुलजना है, रुक गया तो रुक गया मगर बेमार्फत नहीं रुका। इमाम जुलजना से उतर गए, मट्टी उठाकर सूंघ के फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरमाया भैया बस सवारियों को रोक लो, अमारियां बिठा लो, अब यहीं खैमे लगाए जाएंगे, यही सरजमीन होगी जहां हमारे जवानों को ज़िबह किया जाएगा। अल्लाह, जैसे ही अमारियां बिठाई गई, जैसे ही खैमे लगाने की तैयारियां हुई, इमाम ने कुछ काम किए हैं। एक मरतबा जब इरादा मुस्तकिल फरमाया क़याम का, तो क़याम आर्जी और है, क़याम दायमी और है। क़याम दायमी के लिए आपने ज़मीन के ख़रीदने का फ़ैसला फरमाया। नैनवा के करीब लोग ज़मींदार आबाद थे जो इस ज़मीन करबला के ज़ाहिरन मालिक थे, उनको तलब फरमाया और तलब फरमाने के बाद इस ज़मीन का सौदा किया। तारीख का जुमला है कि मेरे मौला ने 60,000 दिरहम में ज़मीन करबला को ख़रीद फरमाया और ज़मीन करबला ख़रीद फरमाने के बाद फरमाते हैं कि मैं ज़मीन तुम्हें वापस सिबा करता हूँ, मैं कुछ शर्तें मेरी हैं। पहली शर्त तो ये है कि देखो अब इस ज़मीन पर ज़रात ना करना, देखो इस ज़मीन पर हमारी कब्रें बनाई जाएंगी, याद रखना अगर कोई हमारी कब्र का निशान पूछता हुआ करबला आ जाए, अल्लाहु अकबर, ये करबला ऐसी दरसगाह है कि हुसैन ने ता क़यामे क़यामत तक आने वालों के लिए एहतमाम ज़ियाफ़त किया। फरमाया मेरे आने वाले ज़ायरों को मेरी कब्र का निशान बता देना, ऐसा ना हो कि परेशान हो, उन्हें अपने घर मेहमान रखना। फिर फरमाते हैं कि आप तमाम मर्दों को जमा करके अलग बुला लो। भैया बस मर्दों को जमा किया गया, मौला फरमाते हैं
ए कबीले बनी असद के लोगों, जब हमें ये लोग कत्ल कर दें और ये कत्ल करके चले जाए तो ए बनी असद के लोगों, हमारे बदनों को मट्टी में दफन कर देना। रोने वालों, गरीब सहरा पड़ोसियों से एक नुसरत तलब कर रहा था कि तुम ये काम करना। जब मर्दों से खिताब कर चुके हैं, फिर मेरे मौला ने कबीले बनी असद की खवातीन के इज्तमा से खिताब फरमाया। फरमाते हैं, ए निसाए बनी असद, अगर तुम्हारे मर्द हमें दफन न कर सकें, कोई खौफ दामनगीर हो जाए, तो तुम फुरात के किनारे पानी भरने आना, तो हमारी लाशों पर मट्टी डाल देना। जब निसा से खिताब कर चुके तो अतवाल को जमा किया, बनी असद के बच्चों से हुसैन का खिताब था। फरमाते हैं, अतवाल बनी असद, अगर तुम्हारे माँ बाप हमें भूल जाए तो करबला के सहरा में, अरे खेलने के बहाने आना, एक एक मुट्ठी उठाकर खाके करबला हमारे बदन पे डाल देना। अजरों को मल्ला। हर रोने वालों, मेरे मौला की वसीयतें हो रही थी, कयामत का मंजर था। हाय, एक दिन ये है ना, बस एक जुमला और सुनना, ये वरूद करबला है, जब मेरे मौला का काफिला करबला पहुंचा है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब बनी असद के जमींदारों ने किस तरह मेरे मौला से किए गए वादे को पूरा किया है। कहते हैं कि जब बनी असद की औरतें पानी भरने 12 मुहर्रम को करबला फुरात के किनारे आई, देखा लाशें कटे हुए, आजा बिखरे हुए, कलेजे मुंह को आने लगे, पानी तो क्या भरती, पानी के बर्तनों को छोड़कर रोती हुई अपने मर्दों के पास गई। अरे जब तो साथ ना दिया, जब जहरा का लाल जिबा होता रहा, अकबर शहीद हो गए, अरे अब तो उठो कि लाशें में गोरो कफन है। अजरों को मल्ला। रोने वालों, अजीब मंजर था कि मुहर्रम की 12 तारीख है, एक काफिला करबला से जा चुका है, एक काफिला हुसैनी करबला से जा चुका है, कबीले बनी असद के जमींदार अभी परेशान थे, तरद्दुद में थे कि खवातीन को जला लाया, कि अगर तुम नहीं जाते तो हमें औजार दे दो, हम मौला के जिसमें मुकद्दस को दफन करेंगे। तुम मर्दों को गैरत आ गई, अरे उठाए कुदाल और बेलचे उठाए, करबला के मैदान में आ गए। लेकिन हालत खौफ में है, बड़ी परेशानी में है कि कहीं लश्कर यजीद ने यहां दस्ते न लगा दिए हो, एक को खड़ा कर दिया कि कोई जासूस सामने खड़ा रहे ताकि पहले से खबर कर दे। अभी परेशान थे, किस लाशे को उठाए, किसको किस नाम से दफन करे, कितनी कब्रें बनाए, अभी परेशान खड़े थे कि दूर से एक नाके सवार को आते हुए देखा। अरे जल्दी से उस मुखबिर ने खबर दी, अरे छुप जाओ, कोई वहां से आ रहा है, जानिबे कूफा से आता है, ये झाड़ियों की टीलों की ओट में छुप गए, वो आने वाला। जैसे ही मक्तल में दाखिल हुआ, अपने आप को नाके से गिरा दिया और आगे बढ़ा, रुकू की हद तक खम हो गया, सर झुका के कहता था सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह। बनी असद के जमींदारों का हौसला बना कि ये मुखालिफ नहीं हो सकता, ये तो मौला का चाहने वाला होगा। निकल के आ गए। आने वाला कहता है, तुम यहाँ क्यों जमा हुए हो? तो समझ नहीं पा रहे थे किसके सामने जाहिर करें कि ना करें, बहाने करने लगे। आने वाला के, सच बताओ यहाँ क्यों आए थे? तो रोने लगे कि हम दफन करने के लिए आए थे, मगर समझ में नहीं आता किस लाश को किस तरह जमा करें, अरे कौन सा हाथ किस शहीद का है, कौन से आजा शहीद के
बिखर गए। अल्लाह अकबर। आने वाला कहता है आओ आओ मैं तुम्हारी इमदाद कर देता हूँ। कहने लगे हम भी बड़े परेशान थे, हमने बड़ी कोशिश की है कि किसी तरीके से जहरा के लाल के टुकड़ों को जमा कर सके, मगर हमसे उठाया ना गया। वो आगे बढ़ा, सबसे पहले चटाई बिछाई गई, हुसैन के जिस्म के टुकड़े चटाई पे रखे गए। हाय, बनी असद के जमींदार कहते थे हम आपका हाथ बटा लेकर नहीं, तुमसे मुमकिन ना होगा। ये हैरान थे, इतना कमजोर सा नौजवान है ये कैसे उठाएगा। जब लाशे हुसैन को लहद में उतारा तो लिपट गए। जवान से कहते थे बताइए आप हैं कौन, फरमाते थे अना यतीम हुसैन, मैं हुसैन। الله لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقت قبولیت دعا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، رحمت بارہ کا نزول ہے۔ دعا سب سے پہلے مانگیے، خدایا اس سال کو ظہور امام کا سال قرار دے، خدایا آنکھیں بند ہونے سے پہلے انجام تو دکھا دے، جس نے سکینہ کو تماشے مارے اس کا انجام دیکھ لے، ارے جس نے بیویوں کی چادر لوٹی اس کا انجام دیکھ لے، ارے جس نے امام کے جسم پہ گھوڑے دوڑائے ان قاتلوں کا انجام فرزند حسین کے ہاتھوں دکھا دے۔ خدایا اس سال کو ظہور امام کا سال قرار دے۔ خدایا ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ خدایا ہمیں امام کی دعاؤں کا مورث قرار دے، امام کی محبتیں ہمارے شامل حال فرما۔ خدایا کربلا مولا کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کے ساتھ محشور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔